300 यूनिट कर दिए गए हैं माफ, कदों तक इंप्लीमेंट शुरू हो जाएगा और बाकी गरंटियां दा कदों तक गरंटियां पूरी की जा सकती। ये इतिहास के अंदर पहली बार होया कि इलेक्शन तो पहले जो वादे किए गए वो एक महीने के अंदर अंदर पूरे हो गए। तुसी देखोगे कि अगली बार जिहड़ा 117 ही आएंगे, एक भी सीट बाहर नहीं जाऊगी, क्योंकि लोगों को यह महसूस हो रहा है कि वाकई ये पार्टी ऐसी पार्टी है जो जो कहती है वो करके दे। कल राजा बड़िंग होना वालों कहना सीगा, कहिंदे कि जो पुराने बिजली के बिल ने उन्होंने उस टाइम जिदा जो रेट सीगा उही लगाया जाए, जेकर 300 के उपर हो जाता तो उन्होंने के रेट घटाए जाए, क्योंकि 200 यूनिट तो ऑलरेडी अकाली दल तो कांग्रेस जी मुफ्त दे ही रही थी। 10 मार्च का रिजल्ट आया और 10 मार्च के रिजल्ट तो बाद साडा एक MLA जिहड़ा फील्ड च है, चाहे वह कड़क की धुप हो चाहे कुछ, मैनू आप इत्थे तकरीबन 2 घंटे हो गए धुप च खलोते हैं। सो कहना वाला कि असी काम कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों के विचर रहे हैं। राजा बड़िंग को की पता, वो तो आटा गुंदी हल्दी क्यों है, लुक सगड़ने उन्होंने। कश्मीर फाइल्स मूवी बन गई, हूँ दिल्ली फाइल्स मूवी बन जा रही है, कि लगता कि फिर धर्म के नाल जोड़न की कोशिश की जा रही है एक और कमेटी। तुसी देखना गुजरात च भी बड़े अच्छे रिजल्ट्स आएंगे और हिमाचल च भी क्लीन स्वीप होगा, वो बाद जिवें हरियाणे च भी असी ये पैन इंडिया हो जाएगी। चोणों विच कीतियां गईयां गरंटियां नूं लै के हुण आम आदमी पार्टी वालों हुण उस ते इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिता गया है। अज तो जो है भगवंत सिंह मान वालों कहा गया है कि 300 यूनिट जो है बिजली दे मुफ्त दिते जाणगे, जिसनों लै के अज आम आदमी पार्टी वालों अमृतसर दे विच जिहड़ा है वो सैलीब्रेशन किया जा रहा है। दूसरे पास अमृतसर के सेंटर कॉन्स्टिट्यूएंसी तो जो विधायक ने डॉक्टर साहब जो कि अजय गुप्ता जी वो इतने मौजूद ने, तुहानू दस दिंदे आ कि बहुत सैलीब्रेशन जिहड़ा है वो इतने किया गया, ढोल वजाए गए ने, क्या ही जा रहा है कि जिन्नी देर तक सारे जोड़े मुद्दे ने वो नहीं हल हो जाते जब तक इस तरह ही करते। डॉक्टर साहब जो क्या वो करके विखाया जा रहा है 300 यूनिट कर दिए गए माफ, कदों तक इंप्लीमेंट शुरू हो जाएगा और बाकी गरंटियां का कदों तक गरंटियां पूरी की जा सकती। देखो जी, अब सब तो पहला मैं अपनी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी का, मनीष सिसोदिया जी का, डॉक्टर संदीप पाठक जी का, राघव चड्ढा जी का, जरनैल जी का और अपने मानयोग मुख्यमंत्री साहब भगवंत मान जी का और उन्होंने पूरे मंत्रिमंडल का मैं बहुत बहुत अपने वालों अपनी पार्टी के सारे वॉलंटियर साहबान वालों धन्यवाद करदा कि वाकई अरविंद जी ने कहा सी कि मैं जो कहना वो करके दिखाना, वो अज उन्होंने साबित कर दिता। सो जिहड़ी पहली गरंटी उन्होंने कहा सीगा ते बाकी जिहड़ी दूजियां गरंटियां दी तुसीं गल कीती है, पहली गरंटी तो 1 जुलाई तो शुरू होने जा रही है और जिहड़ी बाकी गरंटियां ने मोहल्ला क्लीनिक हो गई, वूमेन एम्पावरमेंट स्कीम हो गई, वो भी क्योंकि ऑलरेडी उन्हों का खाका तैयार हो चुका है, सिर्फ हुण ऐलान ही बाकी है। हुण देखो पार्टी हाईकमांड की जो भी पॉलिसी मैटर होएगा वो तहत जो जल्दी ऐलाना जाएगा। 700 नियुक्ति पत्र भी दिए गए हैं कि लगता है कि जो दूसरा वादा सी कि सरकारी नौकरियां देने का वो भी जो इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया। हाँ बिल्कुल, सारा कुछ शुरू कर दिता जी, एक एक वादा जिहड़ा असी कीता। ये इतिहास के अंदर पहली बार होया कि इलेक्शन तो पहला जोड़े वादे किए गए वो एक महीने के अंदर अंदर पूरे हो गए। पहले तो 70 साल लोगों को यही नहीं समझ आती बेचारियों के जोड़े वादे करते हैं ये कभी पूरे होंगे नहीं, फिर 4.5 साल बाद आ जाते हैं वादे कर। सो ये कि जोड़ा पंजाब की जनता जी अज बहुत अपने आप को फख्र महसूस कर रही है, उन्होंने लग रहा कि जो फैसला उन्होंने किया 117 चो 92 सीटा का, वैसे तो जिदा का फैसला से 117 भी आ सकदियां सी, मे बी हो सकता नैक्सट टाइम इन 2027 तो तुसी देखोगे कि अगली बार जिहड़ा 117 च 117 ही आएंगे, एक भी सीट बाहर नहीं जाऊगी, क्योंकि लोगों को यह महसूस हो रहा है कि वाकई ये पार्टी ऐसी पार्टी है जो जो कहती है वो करके देखा। डॉक्टर साहब एक जरूर लोगों के थोड़ा जहा कहते हैं भंबड़ भूसा जहा भी है कि 300 यूनिट के लगनगे कि एक एक वधेगा तो कि सारे लगनगे पैसे, दैट इज़ वेरी क्रिस्टल क्लीयर, वो शुरू तो गल हो चुकी है कि अगर 301 आंदा यूनिट की आँदी कंजम्पशन तो वो 300 यूनिट माफ़ हो जाएगा, एक यूनिट का जो बिल आएगा। लेकिन जो कल राजा बड़िंग होना वालों कहना सीगा, कहिंदे कि जो पुराने बिजली के बिल ने उन्होंने उस टाइम जिदा जो रेट सीगा उही लगाया जाए, जेकर 300 के उपर हो जाता तो उन्होंने रेट घटाए जाए, क्योंकि 200 यूनिट तो ऑलरेडी अकाली दल तो कांग्रेस जी मुफ्त दे ही रही थी। नहीं देखो वो तो धर्म की राजनीति करते ना, गंदी राजनीति करते, किसी एक स्पैशल कास्ट में देता दूजी नहीं दिता। यह जी आम आदमी पार्टी है गंदी राजनीति नहीं करती, धर्म की राजनीति नहीं करती है, ये धर्म की राजनीति तो उठ के गंदी राजनीति उठ के जी असल च राजनीति है लोगों की सेवा करनी, लोगों के दुख दर्द जाके खलोना। तुसी देखो 10 मार्च का रिजल्ट आया और 10 मार्च के रिजल्ट तो बाद साडा एक MLA जिहड़ा फील्ड च है,
चाहे वह कड़क की धुप्प हो चाहे कुछ मैनू आप इतने तकरीबन 2 घंटे हो गए धुप च खलोते नूं। सो कहना मतलब कि असी काम कर रहे लोगों के बीच जा रहे हैं लोगों से विचर रहे हैं। राजा बड़िंग की पता वो तो आटा गुंदी हिलती क्यों है नुक्स कढ़ने उन्होंने वो देखो उन्हों का काम ही यह है तंज कसना नुक्स कढ़ना है ना। पर आम आदमी पार्टी का काम है कि काम करना लोगों के दुख दर्द दूर करना लोगों मुश्किल दूर करना लोगों के जेडे 70 साल तो जोड़े काम पेंडिंग पे है उन्होंने पेंडिंग कामों पूरा करना ये राजनीति असल राजनीति है जी अरविंद जी ने चलाई है हिंदुस्तान के। और मैं समझदा कि असी बहुत ज़्यादा ये कामयाब हो रहे हैं क्योंकि लोग साढ़े तो बहुत खुश ने। तुम मेरे हल्के जाके पुछो लोगों तुम आपे जवाब मिल जूगा लोग आपे दसनगे कि किस तरह एक देखो एक जगह पर मैं कल के परसों जा रहा वो कहता डॉक्टर साहब तुम तो 3-4 वारी आ जाते जे हल्के जे की तरीका करते पहला एम एल ए तो कभी नज़र ही नहीं आता साढ़े 4 साल। इस तरह की राजनीति असी कर रहे हैं कि लोगों के विचर रहे हैं लोगों दुश्किल ईवन इतों तक कि मैं जो जा रहा हूँ तो मैं रस्ते देखता तारा है तो अभी तारा वाले डिपार्टमेंट में फोन कर दें देखते हैं खड्डा है खड्डे वाले कि एम एल ए करता से इदा। सो ये असल च राजनीति है लोगों के जेडे लोगों ने तुम्हें फतवा दिता है वो उत्ते पूरा पूरा उतरो लोगों के दुख दर्द दूर करो लोगों मुश्किल दूर करो वो असी कर रहे हैं सर। लेकिन जिस तरह तुम कहा कि कास्ट की राजनीति है हूँ पहले जम्मू फाइल्स कश्मीर फाइल्स मूवी बन गई हूँ दिल्ली फाइल्स मूवी बन जा रही है कि लगता कि फिर धर्म के नाल जोड़न की कोशिश की जा रही है एक कमेटी तुम्हें पहले ही कह रहा कि पहले जो कि इलैक्शन आता सी जोड़ा पंथ से वह खतरे च आ जाता सी कभी कुछ हो जाता सी मतलब ये जड़िया पार्टियां लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं हौली हौली समझ रहे लोगों की समझ जा रही है आम आदमी पार्टी पैन इंडिया हो जा रही है। तुसी देखोगे हिमाचल च भी असी जिवें पंजाब च क्लीन स्वीप किया हिमाचल च भी करांगे गुजरात च भी करांगे। डॉक्टर संदीप पाठक उत्थे इंचार्ज बने गुजरात च मैं तुहानू दसना चाहुंदा कि पंजाब च रियल हीरो बिहाइंड द पिक्चर ही वॉज़ द रियल हीरो। तुसी देखना गुजरात च भी बड़े अच्छे रिजल्ट्स आणगे और हिमाचल च भी क्लीन स्वीप होगा उहदे बाद जिवें हरियाणा हरियाणे च भी असी ये पैन इंडिया हो जाएगी क्योंकि लोगों को समझ आ रही है हुण कि अगर कोई पार्टी है हिंदुस्तान दे विच जिहड़ी लोगों का सोचती है तो वह सिर्फ तो सिर्फ आम आदमी पार्टी है बाकी पार्टियां जिहड़ियां कोई धर्म की राजनीति करती है कोई कोई राजनीति गंदी राजनीति है कोई बदले की राजनीति करती है इस तरह का कुछ नहीं है। सो लोग समझ रहे हैं और देखोगे कि बड़ी जल्दी जिहड़े आ साडे हिंदुस्तान के जिहड़े प्रधानमंत्री है अरविंद केजरीवाल जी जी होणगे। लगता कि जिहड़े दूसरे सूबों एक एग्जाम्पल देने वास्ते पंजाब दे जिहड़ी बिजली जिहड़ा वादा सीगा जां गरंटी सी वो पूरी की जा रही है जिस तरह तुसीं कह रहे हो पैन इंडिया दे विच आम आदमी पार्टी जिहड़ी है दिस इज़ ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ द मैनीफेस्टो नंबर 1 और नंबर 2 जिहड़ियां असीं जिहड़े वादे कीते सी लोगां ने मैं उही ते कह रहा बार बार इक्को ही गल कर रहा कि लोग जिहड़ा पहले ठग्या महसूस करते सी वो नहीं करनगे अज्ज उह अपने आप नूं प्राउड फील कर रहे कि हाँ भी आप अगर वोट पाई है तो किसी सही पार्टी को पाई है। सो इस करके ये जिहड़ा तुसीं कह रहे हो बिजली का उहदे करके नहीं है कि बाकी स्टेट नहीं नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट इहदा खाका तो पहले ही तैयार हो चुका सीगा एग्जाम्पल सैट करनी एग्जाम्पल तो सैट ऑलरेडी हो चुकी है दिल्ली की हो चुकी है पंजाब की 1 महीने च देखो तुसीं करप्शन कितनी घट गई है करप्शन ठीक है ना करप्शन बहुत ज़्यादा घट गई है असीं कोशिश कर रहे हैं करप्शन को जड़ तो खा दें बट इट विल टेक सम टाइम। डॉक्टर साहब तुहाड़ा हलका पैंदा है जिस जगह ते असीं खलोते हां अक्सर ही सैलानी जिहड़े आंदे ने इस रोड थानी आंदे ने ते बहुत खज्जल खुआर होना पैंदा कि उहनूं वी सॉर्ट आउट कीता जा सकदा उह वी गल कीती आ हुणे असीं इत्थे मैनूं 2-3 अदारे जिहड़े ने बिजनेस दे मेन अदारे उन्होंने भी आके अप्रोच कीता कि इह जिहड़ा रस्ता इहनूं खोलिया जाए ताकि जिहड़े यात्रु आंदे आ उह कम से कम पिछों ही बड़ी दूरों आंदे आ ते उहनां दा टाइम भी बचे और उहनां दा फिजिकल एग्जर्शन ज़्यादा ना होए और जिहड़ी इक मन के अंदर एक भावना होंगी है कि जल्दी जाके भगवान जी के दर्शन किए जाए तहत जिहड़ा असी CP साहब अगे या जिहड़े भी कंसर्नड ऑफिसर आ उन्होंने रिक्वेस्ट करें क्योंकि राउंड अबाउट बहुत छोटा हो गया हुण तुसीं देख सकते हो इत्थे जाम लगते होंगे सी जाम खत्म हो गया। सो वी कैन ओपन दिस पैसेज सो तुम देख सकते हो कि डॉक्टर साहब जोड़े से मौजूद ने दूसरे पास अगर गल की जाए तो अच्छा सवालिया जी मौजूद ने उन्होंने भी गल करने ने वालिया साहब तुम पहले ही कहता कि कुछ समय बाद जी गरंटिया पूरी हो शुरुआत हो गई है किस तरह वे हाँ तुम आप ही दस दिता कि मैं 3 दिन पहला जोड़ा थोड़े तो नाल गलबात की सी और मैं क्या भी 2 गरंटीज जी पहली बिजली वाली और दूसरी जी लेडीज़ में जरा 1000 रुपया देना 18 साल तो उत्ते लेडीज़ में वो बड़ी जल्दी होन जा रही है। तो पहली जी विद इन 3 डेज़ हो गई ना
तो बाकी कोई एप्रीहेंशन वाली गल नहीं है कि 300 तो यूनिट जो हूँ भी सवाल पूछे जा रहे थे कि 300 तो उत्ते जोड़े यूनिट वो ही वह ही बिल आएगा वह ही रेट लगन गए 300 तक सारे माफ़ होएगा ये पहले भी क्लैरिफिकेशन दी जा वाली साहब जेकर बाकी गरंटियां की गल की जाए तो वह भी पूरिया हो जिस तरह तुम पहलों भी एक कासराय लगाई थी कि कुछ समय बाद जो शुरुआत हो जाएगी हूँ लगता कि महिलाओं को सहूलत देने वास्ते इन्हें भी जल्द तो जल्द इंप्लीमेंट किया जाएगा। हाँ मेरा ख्याल है कि सैकेंड जो कोई अनाउंसमेंट होएगी वो क्योंकि सारे रिसोर्स फाइनैशियल रिसोर्स जोड़े ने पैसा है वह क्योंकि केजरीवाल जी का और साड़ी पार्टी का और भगवंत मान जी का यही है कि पहला जोड़े असं रिसोर्स की गल करिए कि पैसा लगना की असं ला सकते हैं और जदों लोगों नाल वादा भी किया उदों भी गिनती बिनती सब हो गई सी कि कोई प्रॉब्लम नहीं है पैसा निकल सकता है जिहड़ियां लीकेजेज है माफिया है उन्होंने प्लग करन दी लोड़ है प्लस आ ही गया है कि एक्साइज तो रेवन्यू जिहड़ा डबल हो जाएगा वो सारा जिहड़ा खाका तैयार हो गया किस तरह डबल हो जाएगा वो भी तैयार हो गया उहदे अकॉर्डिंगली अफसर जिहड़ा ला दिते गए ने। टीचर्स और खास तौर स्कूलों वालों बड़ी मनमर्जियां की जा रही ने तुम भी बिहाइंड टीचर तुम प्रिंसीपल भी रहे हो कदों लगता कि वाकई लुट सुट रही है और इनू दूर करने वास्ते कि चीज़ा जीडिया वो इंप्लीमेंट सब ना पहले होनी चाहिए। स्कूल की गल कर रहे हो तुम हाँ स्कूल तो एक है कि फीस जी है उन्होंने रेगुलेट करन दी गल है क्योंकि प्राइवेट अदारे ने उन्होंने भी खर्च होंगे ने तो कोई शक नहीं है पर थोड़े कुछ कोर्ट्स दी जजमेंट ने हाई कोर्ट्स दी कई जजमेंट जिते 8 या 10% जोड़े है वो प्रॉफिट की गल की है कि इस तो उत्ते जोड़ा प्रॉफिट ना लिया जाए और वो काफ़ी जोड़ा है वो नैचुरली चैक्स एंड बैलेंसिस लाने पैणगे और एक गल बड़े क्लीयर करते कि जी ऑल दी स्टेक होल्डरस भावें वह मैनेजमेंट्स है प्रिंसीपल है टीचर है या स्टूडेंट्स के जोड़े है वो पेरेंट्स ने उन्होंने एक स्टेक होल्डर बन के सारे की सलाह ना लगे काम किया जाएगा और जोड़ा 8 या 10% तो उत्ते भी प्रॉफिट होएगा ये भी कोर्ट्स के जोड़े फैसले ने कि उस स्कूल की डिवेलपमेंट से या स्कूल की इंफ्रास्ट्रक्चर से खर्च किया जाए। सो इस तरह अच्छा आम आदमी पार्टी वाले जिन्हों वालों लगातार ही वॉलंटियर्स वालों बहुत खुशी जी इजहार जो किया जा रहा कहा जा रहा है कि जो गरंटियां दित्तियां सीगा ना उन्होंने हुण इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिता गया और दूसरी गरंटी भी जल्द जी पूरी की जाएगी लगातार ही सारे की नज़र बनी हुई थी 300 यूनिट कदों तक माफ़ होंगे लेकिन अज भगवंत सिंह मान वालों ऐलान कर दिया गया है कि हुण जल्द जल्द तो जल्द जोड़ा इस पर इंप्लीमेंट जो कर दिया जाएगा तो दूसरिया गरंटियां भी जड़िया ने जल्द पूरिया कीतियां जाएंगियां। कैमरामैन मनोज देना गुरप्रीत सिंह पंजाबी लोक चैनल अमृतसर।